Assalamualaikum and welcome class. मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त. हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स. आज है हमारी 9.2 की क्लास नंबर 1. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वेलकम बैक क्लास. अब हम स्टार्ट करने लगे हैं 9.2. 9.2 के स्टार्ट पे मैं आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा. यही समझ लीजिए कि 9.2 का ये इंट्रोडक्शन है. कार्टेशियन प्लेन हमारी हेल्प करेगा सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, इजीली समझने में. तो पहले कार्टेशियन प्लेन को समझ लेते हैं कि ये किसको कहते हैं. आई होप कि आप में से काफी स्टूडेंट्स को पहले से इसके बारे में पता होगा. ये जो शेप है इसमें एंगल के मुताबिक आप समझे तो यहाँ पर 0 डिग्री है, और जब यहां तक पहुंचते हैं तो 90 डिग्री, यहां तक पहुंचे 180 डिग्री, और जब यहां तक पहुंचे तो 270 डिग्री क्लास. ओके, जब एक पूरा सर्कल कंप्लीट होता है तो आप जानते हैं कि उसका कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री. ओके, ये तो बात हो गई एंगल्स में. एंगल्स में अगर लिखना हो तो 0 से 90 डिग्री, 90 से 180, 180 से 270 एंड 270 से 360. तो इनके कुछ नाम भी हैं, वो मैं आपको बता देता हूं अभी. पहले बात कर लेते हैं अगर इनको रेडियन फॉर्म में लिखना हो तो फिर कैसे लिखेंगे. तो 0 तो क्लास 0 ही रहेगा. जब 90 की बात करेंगे तो 90 को लिख सकते हैं पाई बाय 2. 180 इक्वल होगा पाई के, और 270 इक्वल होगा 3 पाई बाय 2 के. ओके क्लास, एंड 360 के लिए हम लिखेंगे 2 पाई. आई होप आपको यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी. मैं क्या कहना चाह रहा हूं, डिग्री फॉर्म में ये रेड वाले जो मैंने लिख दिए ये डिग्री फॉर्म में है, और ये जो ब्लैक में मैंने लिखे हैं ये हमने रेडियन फॉर्म में उन्हीं एंगल्स को लिख दिया है. ओके, अगर कोई भी वैल्यू इस एरिया में आती है तो उसे हम कहेंगे ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है. क्या कहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये फोर्थ क्वाड्रेंट्स हैं एक्चुअली, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर क्वाड्रेंट्स हैं ये. फर्स्ट वो था, सेकंड क्वाड्रेंट ये है क्लास, थर्ड क्वाड्रेंट ये है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ये है. ओके, आई होप आपको समझ आ रही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट इस एरिया को कहेंगे 0 से 90 तक को, 90 से 180 को कहेंगे सेकंड, 180 से 270 को कहेंगे थर्ड, और 270 से 360 को कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट. अच्छा, अब मैं ये जो चीजें बता रहा हूँ ये क्यों, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ा था कि साइन 1 ओवर कोसेकन के, कोस 1 ओवर सेकन के, टेंजेंट 1 ओवर कोटेंजेंट के, टेंजेंट साइन ओवर कोस के वगैरह वगैरह, वो हम पढ़ चुके हैं. उनकी स्टोरी आज यूज होने वाली है. वो क्या, आपको बस ये याद रखना है कि साइन यहां पर आल के आल पॉजिटिव है. आल का मतलब आप लिख दीजिए आल, यानी कि साइन भी पॉजिटिव, कोस भी पॉजिटिव और टेंजेंट भी पॉजिटिव. ये सब के सब क्या है, पॉजिटिव है. किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ओके, जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात आती है तो यहां पर सिर्फ साइन पॉजिटिव है, तो बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे क्लास. थर्ड क्वाड्रेंट की जब बात आती है तो यहां पर क्या होगा, टेंजेंट पॉजिटिव होगा और बाकी सब दोनों के दोनों नेगेटिव करार दिए जाएंगे, यानी कि साइन भी नेगेटिव और कोस भी नेगेटिव. ओके, मैं अभी आपको डिफाइन कर देता हूं इन्हें याद कैसे रखना है. बहुत इजी सा मेथड है ना याद रखने का. ओके, और चॉकलेट. ओके, चॉकलेट मैं क्यों बोल रहा हूं आपको बताता हूं. यहां पर कोस पॉजिटिव होगा और बाकी दोनों नेगेटिव होंगे. जैसा कि मैंने इनको याद रखा हुआ है आज तक, वैसे ही मैं आपको एक मेथड बता देता हूं जिससे इनको याद रखना है. यहां पर सब पॉजिटिव, यहां पर साइन पॉजिटिव, यहां पर टेंजेंट पॉजिटिव, यहां पर कोस पॉजिटिव. तो हम इनके पहले पहले अल्फाबेट को लेकर, यानी कि ए, एस, टी और सी को लेकर एक लाइन बना देते हैं जो मैंने बनाई हुई है, इसलिए मैं उसे रिमेंबर कर करके लिखता हूं. कैसे, ऑल स्टूडेंट्स, एस से स्टूडेंट्स, टी से टेक और सी से चॉकलेट, यानी ऑल स्टूडेंट्स टेक चॉकलेट. आप बेशक ये लाइन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है अपने लिए, ताकि आपको याद रहे. ऑल स्टूडेंट्स टेक चॉकलेट. तो इससे ये क्या हुआ, क्वाइट इजी हो गया. बस ये याद रखना है कि इसमें सारे के सारे साइन, कोस, टेंजेंट, इनके रेसिप्रोकल्स भी बन गए. अच्छा, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, रेसिप्रोकल मतलब अगर साइन यहां पे पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो अगर साइन पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल यानी कोसेकन भी पॉजिटिव है, कोस अगर नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल सेकन भी नेगेटिव है, टेंजेंट अगर नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट भी नेगेटिव है. सेम वैसे ही टेंजेंट अगर पॉजिटिव है तो यहां पर कोटेंजेंट पॉजिटिव है, क्योंकि इनके रेसिप्रोकल इनकी नेचर से चलेंगे. जो नेचर एंगल की होगी, वैल्यू की होगी, वही उसके रेसिप्रोकल की होगी. अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कोसेकन भी पॉजिटिव है, अगर साइन नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कोसेकन भी यहां पर नेगेटिव है. आई होप आपको समझ आ रही है. तो याद करने का इजी सा मेथड है, ऑल स्टूडेंट्स टेक चॉकलेट, यानी कि यहां पे सारे के सारे पॉजिटिव, यहां पर एस सिर्फ साइन पॉजिटिव, यहां पे टी यानी कि टेंजेंट पॉजिटिव, और यहां पे सी
यानी कि cos पॉजिटिव। आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। वेलकम क्लास, हम करने लगे हैं स्टार्ट अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर आप स्टेटमेंट पढ़े तो क्या लिखा है, फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हमें जस्ट इन पार्ट्स के साइंस बताने हैं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हमें अपना कार्टेशियन प्लेन बस याद रखना है माइंड में, वो क्या था जरा रिपीट कर लेते हैं कि इस तरह से हमारे पास एक वैल्यू है, यहाँ पर 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180 और यहाँ पे 270। हमें याद है कि फर्स्ट में ऑल, सेकंड में साइन, थर्ड में टेंजेंट और लास्ट में कोस। ऑल स्टूडेंट्स टेक चॉकलेट, यानी कि 0 से 90 के बीच सबके सब पॉजिटिव है। तो हमें सिर्फ एक चीज पता करनी है, ये किस क्वाड्रेंट में है। जैसे ही पता चलेगा ये किस क्वाड्रेंट में, हम बता सकेंगे कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। साइन 160, 90 क्रॉस हो गया, पहली बात तो ये कि 90 से अबव एंड 180 से बिलो, तो इसका मतलब ये किस में आ रहा है, साइन 60 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सो साइन 160 इज पॉजिटिव। आई थिंक आपको समझ आ रही है, मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं, साइन 160 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 से अबव है और 180 से बिलो है, तो फर्स्ट साइन 160 आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो हम लिख देंगे सो साइन 160 इज पॉजिटिव। आप चाहे तो इतना डिटेल में बेशक ना लिखें, जस्ट लिख दें साइन 160 इज पॉजिटिव, सिर्फ नॉलेज के लिए आपको ये क्वेश्चन आएंगे समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं पार्ट, कोस 190। ओके, अब कोस की बात कर लेते हैं। कोस 190, पहली बात ये कि 190 आएगा कहां, 180 से अबव एंड 270 से बिलो, इट मींस ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो पहले ही मैंने लिख दिया इट्स इन थर्ड क्वाड्रेंट। लिखने का मेथड यही है, अगर आप सॉल्व करें तो ये रफली मैंने लिख दिया, आप ऐसे ही लिखिएगा कि cos 190 इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो cos 190, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हमने लिख दिया cos 190 इज नेगेटिव। ओके, टेंजेंट 115 यानी 115 क्लास कहां पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, लिख दिया सेकंड क्वाड्रेंट, सो टेंजेंट 115 इज नेगेटिव। आई होप आपको समझ आ रही है। चलिए नेक्स्ट पार्ट जल्दी से करते हैं, पार्ट नंबर 4, सीकन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का, तो अगर कोस पॉजिटिव है तो सीकन भी पॉजिटिव, कोस नेगेटिव है तो सीकन भी नेगेटिव। चलिए सीकन 245 डिग्री, पहली बात तो ये कि 245 कहां लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में जब लाई करता है तो क्या यहां पर सीकन रेसिप्रोकल किसका है, कोस का, कोस पॉजिटिव होता है, नहीं नेगेटिव होता है, सो सीकन 245 इज नेगेटिव। आई होप आपको समझ आ रही है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, कोटेंजेंट 80 डिग्री, 80 यानी कि 0 से 90 के पहले ही, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए हमें सोचने की जरूरत नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर वैल्यू ऑलवेज इन पॉजिटिव फॉर्म। लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, कोसेकन यानी कि साइन का रेसिप्रोकल, ठीक है, ओके, 297 यानी 270 से अबव। ओके, एक चीज मैंने नहीं लिखी कि ये कहां तक है, 360 डिग्री तक है। ओके, तो 297 इट मींस कि 270 से अबव और 360 से कम, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सो कोसेकन 297 फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लास कोसेकन यानी कि साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है यार। तो ये लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो गया, अब इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा और फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 2 की जब बात करते हैं तो आपको छोटी सी एक चीज बता देता हूं आज, साइन एंड टेंजेंट ये जब पॉजिटिव होते हैं और इनके साथ माइनस आ जाए तो माइनस एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर कोस के साथ आ जाए तो हम उसे रिमूव कर देते हैं। मैं डिफाइन करने के लिए आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि एक रूल है, क्या रूल क्या है, सिंपल सी लॉजिक है कि फॉर एग्जाम्पल अगर साइन है और आगे कोई एंगल माइनस में है तो वो जो माइनस में है कोई भी वैल्यू डजंट मैटर भी हम सॉल्व करेंगे तो वो स्टार्ट पे आ जाएगा, जस्ट दैट्स इट। आपको उसके फर्दर सॉल्व करने की बात नहीं हो रही, सिर्फ ये बताने की बात हो रही कि अगर एंगल के साथ नेगेटिविटी आ जाए, एंगल नेगेटिव कब होता है, अगर हम देखें तो 0 से 90, 90 से 180 ये पॉजिटिव फॉर्म में चल रहा है, लेकिन अगर मैं इसका रिवर्स चला दूं, यानी कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, मैं इसको क्लॉकवाइज चला दूं, मतलब इस तरफ की बजाय ये इस तरफ चल पड़े तो एंगल नेगेटिव हो जाता है। क्लास हम कहते हैं कि ये माइनस 90 डिग्री है, माइनस 180 डिग्री है, माइनस 270 डिग्री है, माइनस 360 डिग्री है, इससे ये समझ आ जाता है कि ये क्लॉकवाइज वर्क कर रहा है, ठीक है। बस इतना समझने की इसको जरूरत नहीं है, अगर समझ आ रहा तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा तो इट्स ओके। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ ये याद रखना है कि साइन की दफा अगर माइनस आ जाए एंगल में तो स्टार्ट पे माइनस लिख देंगे, कोस की दफा अगर एंगल के साथ माइनस आ जाए तो वो रिमूव कर देंगे, या कोस भाई साहब माइनस के साथ दोस्ती नहीं निभाते हैं, माइनस को खत्म कर देते हैं, ये रूल है बस, ठीक है। ओके, सो सेम द केस विद टेंजेंट, जो साइन के साथ केस है वही टेंजेंट के साथ है, अगर टेंजेंट के साथ भी आएगा तो
स्टार्ट पे आ जाएगा। और यही बिहेव इनका इनके रेसिप्रोकल्स के साथ है। वो कैसे कि अगर साइन माइनस के साथ आता है तो साइन का रेसिप्रोकल कौन होगा? कोसेकन। तो कोसेकन भी क्या करेगा कि स्टार्ट पे ले जाएगा माइनस को। मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं, आपको जल्दी से समझ आ जाएगी, ठीक है? चलिए जल्दी से क्वेश्चन के पार्ट्स करते हैं। ओके, तो जब क्वेश्चंस की बात आती है तो जैसा मैंने आपको बताया कि साइन माइनस 310 डिग्री, तो क्या करना है? सिंपली कुछ भी नहीं करना है, माइनस है ना, स्टार्ट पे लिख दिया और आगे लिख दिया एंगल, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। क्वाइट इजी है ना। क्या किया, साइन के साथ जब भी एंगल आएगा नेगेटिव में तो माइनस स्टार्ट पे आ जाएगा। ठीक वैसे ही साइन के साथ कौन रिश्तेदार है, मतलब साइन का कौन रेसिप्रोकल है? कोसेकन। तो वही किया ना, स्टार्ट पे आ गया और ये हो गया माइनस कोसेकन 15 डिग्री। आई होप आपको समझ आ रही है, ठीक है? कोस की जब बात करते हैं, कोस माइनस को रिमूव कर देता है, आई मीन कोस माइनस 75 डिग्री है ना, अब इसे ऐसे लिख दीजिए कोस 75 डिग्री, ठीक है? ठीक वैसे ही कोस किसका रेसिप्रोकल है? सीकन, मतलब कोस का रेसिप्रोकल है सीकन। तो उसी तरह से ये करेंगे कि माइनस को खत्म कर देंगे और सिंपली वैल्यू को लिख देंगे। टेंजेंट की बात आ गई, टेंजेंट की नेचर बिल्कुल साइन की तरह है, इसमें भी माइनस को स्टार्ट पे लिख देते हैं, इधर भी वही करेंगे, नेगेटिव साइन को स्टार्ट पे लिख देंगे और आगे लिख देंगे एंगल को। और क्योंकि टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट होता है, तो सेम केस विद दी कोटेंजेंट आल्सो, स्टार्टिंग पे लिखा माइनस कोटेंजेंट 137 डिग्री एंड दैट्स इट, आपका क्वेश्चन टोटल कटोटल सॉल्व भी हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। एक्चुअली ये जितने भी पार्ट्स हैं ना, ये सिर्फ समझने के लिए हैं, मेन काम तो हम आगे करने वाले हैं जब क्वेश्चंस होंगे, जब लेंथी सिंपलीफाई वाले क्वेश्चंस आएंगे तो ये सारी चीजें वहां यूज होंगी। तो आपने जस्ट इनको माइंड में रखना है और हम झटपट इन क्वेश्चंस को करते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। वेलकम बैक क्लास, क्वेश्चन नंबर 3, आज का सबसे इंटरटेनिंग एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारी क्लास नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा मजा ले लेके करना है, मतलब इंटरटेन होना इस क्वेश्चन से, इरिटेट नहीं होना। क्वाइट इजी है, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है, जरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं बुक की। इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ एंगल लाई देन, मतलब क्या हुआ, बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। उसने कहा पहली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट, इसको देख के बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हम खेलते हैं ना, जल्दी से समझ लेते हैं। ये मैंने इसीलिए लिखा रहने दिया ताकि आपको समझ रहे, ऑल स्टूडेंट्स टेक चॉकलेट, ये तो हो गया। अब बात करते हैं साइन कोस वगैरह की। यहाँ पर तो सबके सब पॉजिटिव हैं, तो जब भी कोई वैल्यू इन सिचुएशंस में आएगी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव हम ये जानते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। वो क्या कह रहा है, साइन इज लेसर देन जीरो, मतलब साइन साहब तो हो गए हमारे नेगेटिव, लेसर देन जीरो का मतलब होता है नेगेटिव। कोस इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि कोस यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव। तो आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पर साइन नेगेटिव होता है और कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है और कॉस पॉजिटिव होता है। तो यहां पर क्लास कॉस पॉजिटिव होता है और साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है। आई होप आपको याद होगा। तो जल्दी से हम इसको बता देते हैं कि भाईजान आप इस टाइम किसमें हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। आई होप आपको समझ आ रही है। मैं कह रहा हूं ना कि आपने इसके साथ खेलना है, तो बेहतर ये होगा कि वीडियो को पॉज कीजिए और इन बाकी सारे पार्ट्स को आप खुद कीजिए, और फिर मैं तो करवा ही रहा हूं, तो चलिए मैं करवा देता हूं साथ साथ। ओके, कोटेंजेंट पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन जीरो का मतलब हो गया कि कोटेंजेंट साहब हमें मिल गए पॉजिटिव फॉर्म में, एंड कोसेकन मिल गया हमें फिर से पॉजिटिव फॉर्म में। अब दोनों पॉजिटिव है, कोटेंजेंट किसका रेसिप्रोकल है, टेंजेंट का, और कोसेकन किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, सॉरी। तो साइन और टेंजेंट दोनों कहां पॉजिटिव होते हैं, साइन और टेंजेंट जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो वो हमेशा फर्स्ट होगा। अगर आप गौर से याद रखें तो ये वाहत क्वाड्रेंट है जहां पर दो लोग पॉजिटिव होते हैं, साइन कोस एंड टेंजेंट तीनों ही। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके क्लास, तो पार्ट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में अगर आप देखें तो कह रहा है टेंजेंट इज लेसर देन जीरो, मतलब टेंजेंट क्या है, नेगेटिव है, टेंजेंट साहब तो नेगेटिव हो गए, और कोस इज पॉजिटिव, मतलब कोस इज पॉजिटिव। अब कौन सी ऐसी जगह है जहां पे कोस पॉजिटिव है और टेंजेंट नेगेटिव है, कोस पॉजिटिव है और टेंजेंट नेगेटिव है, तो सिंपल सी बात होगी, ये भी हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। आई होप आपको समझ आ रही है। अगर किसी को फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं फिर से, मैं फिर से समझा दूंगा, और बार बार वीडियो को तो आप पीछे करके देख ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ओके, पार्ट नंबर 4 की बात करें, सीकन इज लेस देन जीरो एंड साइन इज लेस देन जीरो, यानी साइन भी नेगेटिव हो गया और सीकन किसका रेसिप्रोकल है, कोस का, और कोस भी नेगेटिव हो गया, दोनों कोस भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव। सोचिए किसमें होगा, साइन नेगेटिव कहां कहां है, इन दोनों में, और
cos कहाँ कहाँ negative है यहाँ पर, इसका मतलब ये third quadrant है, sin भी negative and cos भी negative, यानी secant भी negative, it's in third quadrant. असल में reciprocal please मत भूलिएगा, reciprocal आपने याद रखने हैं कि sin जहाँ पे positive है वहाँ positive है, वहाँ पर cosecant भी positive है, cos जहाँ पर positive है वहाँ पर secant भी positive है, और tangent जहाँ पे positive है वहाँ पर cotangent भी positive है. ये आपने याद रखने हैं, ये आपको याद रहने चाहिए. Okay, let's continue. Cotangent is greater than zero. इसका मतलब cotangent साहब क्या हो गए? Positive हो गए. Sine साहब is lesser than zero. मतलब sine क्या हो गया? Negative. अब देखिए, sine lesser than zero. यानी के sine negative है और cotangent positive है. Cotangent मतलब tangent positive. Tangent positive and sine negative कहाँ पे है? या आपने guess कर लिया होगा, third quadrant. क्योंकि third quadrant में tangent positive होता है और बाकी दोनों नेगेटिव होते हैं. ओके, लेट्स कंटिन्यू एंड फिनिश इट. कोज इज नेगेटिव, कोज इज लेसर देन जीरो, इट मींस कोज नेगेटिव हो गया. टेंजेंट इज आल्सो लेसर देन जीरो, यानी कि टेंजेंट भी नेगेटिव हो गया और कोज भी नेगेटिव हो गया. कहां पे होगा ये? या सेकंड, कैसे? यहां पर सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, टेंजेंट और कोज दोनों नेगेटिव होते हैं, तो यहां पे कोज भी नेगेटिव है, टेंजेंट भी नेगेटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट हो गया क्लास. ओके, तो हमने तो ये काम कर भी लिया, काफी आसान था. तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा. खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करें. अल्लाह हाफिज़ क्लास.